प्यारे साथियों, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के मैंने लगभग 34 एपिसोड्स आपके लिए प्रस्तुत किए और आज एक बहुत ही अच्छा ऐसा निचोड़ जीवन जीने की कला का आपके लिए लेके आया हूं, जो कि जीवन जीने के बहुत ही प्यारे बहुमूल्य टिप्स, आप जरूर इसे सुनिए, सुनते रहिए, देखिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक अद्भुत पूर्व बदलाव जरूर आएगा। इन्हें हम जीने की सूक्तियां भी कह सकते हैं और सूक्तियों के बारे में कहा जाता है कि सूक्तियां अक्षरों के ऐसे विलक्षण फूल हैं। सूक्तियां और टिप्स जो लाइफ के होते हैं, अक्षरों में गुथे हुए ऐसे विलक्षण सूत्र हैं, ऐसे विलक्षण फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते, जिनकी मोहक गंध युग युग तक मानव मन में ताजगी भरती रहती है। ऐसी सूक्तियां होती हैं फूलों के समान, जो कभी नहीं मुरझाती। तो ऐसी ही कुछ सूक्तियां मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, जिनका कि यदि श्रवण किया जाए तो ये समझिए कि हमें ईश्वर अलर्ट करता है। महान लोगों की ये सूक्तियां हैं और उसमें ईश्वर हमें अलर्ट कर देता है कि देखो भाई, इन चीजों को फॉलो करोगे तो जीवन में सदा आनंद मिलेगा और दूसरों को भी हम इसका प्रसाद दे सकते हैं। आगे आता है अंधविश्वास। अंधानुकरण से, अंधविश्वास से आत्मविकास के बजाय आत्मसंकोच होता है। अंधानुकरण, ब्लाइंडली यदि हम किसी पे विश्वास करते हैं तो आत्मा के विकास के बजाय आत्मसंकोच हो जाता है, क्योंकि हमारा दायरा सिमट जाता है। दूसरे पायदान पर हम आते हैं अगले विचार की ओर कि अति सर्वत्र वर्जते। हर चीज की अति बहुत बुरी होती, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। तो अति दान से दरिद्रता और अति लोभ से तिरस्कार होता है। बहुत ज्यादा यदि हम दान करते हैं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा और दरिद्रता आ जाएगी, और अत्यधिक लोभ यदि करते हैं, बहुत लालच करते हैं, तो तिरस्कार होता है और ये अति नाश का कारण है। इसलिए अति से सर्वदा दूर रहना ही उचित होगा। अनुभव। बुद्धिमान मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, अधिक बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से सीखता है। जो बुद्धिमान होता है वो अपने अनुभवों से सीखता है और जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है वो दूसरों के अनुभवों को भी अपने जीवन में उतारता है और सीखता है। ये बहुत ही प्यारी चीनी कहावत है। आगे हम चलते हैं अवसर, अपॉर्चुनिटीज। महान पुरुष अवसर की कमी की कभी शिकायत नहीं करते। जो लोग महान होते हैं वे अवसर की कमी की कभी भी शिकायत नहीं करते, बल्कि अवसर ढूंढते रहते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य को जितने भी अवसर मिलते हैं उनसे वह और अधिक अवसर उत्पन्न करता है। ये चीज बड़ी सुनने लायक है कि बुद्धिमान मनुष्य को जितने भी अवसर मिलेंगे वो उससे अधिक अवसर अपने लिए निर्माण कर लेता है। अब बात आती है असत्य, झूठ बोलना।
झूठ बोलने वाले को न तो मित्र मिलता है, न पुण्य, न यश। कई लोग अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि आदत एक रस्सी की तरह होती है जिसे रोज हम एक बल देते हैं और अंत में वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर हम उसे तोड़ नहीं पाते हैं। अतः झूठ बोलने वाले को न तो मित्र मिलता है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को, झूठ बोलने वाले को न तो मित्र मिलता है, न पुण्य मिलता है और ना ही उसका यशोगान होता है या यश मिलता है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है, वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। अतः हमें सत्य बोलने की आदत डालना चाहिए। और बहुत ऐसी अवस्था आ जाए कि बिल्कुल अब तलवार गर्दन पे है और सत्य बोला तो मार दिए जाएंगे, वहाँ अगर झूठ निकल भी जाता है तो वो क्षम्य होता है, क्योंकि हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए या किसी और के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोल रहे हैं। दूसरों का जो आचरण तुम्हें पसंद नहीं, वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी मत करो। अपने से छोटे, दीन, हीन, सेवक, नौकर, चाकर आदि से हमें सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि उसी ईश्वर की रचना वे भी हैं, उसी ईश्वर की रचना हम भी हैं। और उर्दू में यदि कहें तो इज्जत का हकदार वही होता है जो इज्जत देना जानता है। क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव, नम्रता और सेवा से हम सारी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। ये चाणक्य जी ने कहा था कि क्षमा माफ करने वाला भाव, दया करुणा प्राणी मात्र के प्रति, प्रेम मधुर वचन और सिंपल बिहेवियर सरल स्वभाव और पोलाइटनेस नम्रता और सेवा, इससे हम सारी दुनिया को वश में आसानी से कर सकते हैं। अब हम आलस्य, आज के युग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े आलसी होते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते। तो ये आलस्य जो है आगामी जीवन के लिए अभिशाप है, क्योंकि आलसी आदमी को कोई भी दवा नहीं लगती। ये सामवेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति आलसी होता है, जो स्वयं का ध्यान नहीं रखता, समय का पाबंद नहीं होता, प्रकृति के नियमों के विपरीत वह व्यवहार करता है, तो आलसी व्यक्ति को कोई भी दवा नहीं लगती, ना ही दुआ लगती है। आलस्य दरिद्रता का मूल है। यदि आप आलस करते हैं तो परिश्रम नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते तो धन नहीं कमा सकते, और धन नहीं कमाएंगे तो आप दरिद्र कहलाएंगे। इसलिए आलस्य दरिद्रता का मूल है। आलस्य के बारे में, समय के बारे में, कि जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं और फिर नहीं आते। नदी जो बह जाती है वो लौट कर नहीं आती, और रात और दिन भी मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। अगले विचार पर आते हैं हम, इच्छा। गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई है वह सबसे अधिक गरीब है। पैसा कम होना एक शाप है, परंतु अत्यधिक होना एक अभिशाप है। ये अर्थशास्त्र के नियमों में कहा जाता है। इसलिए गरीब आदमी वो नहीं है जिसके पास कम धन है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई है वह सबसे अधिक गरीब है। क्योंकि इच्छा से दुख आता है, इच्छा से भय आता है, और जो इच्छाओं से मुक्त है वह न दुख जानता है और ना ही भय। ये
गौतम बुद्ध के द्वारा उद्गार व्यक्त किए गए हैं। अब हम आते हैं उद्योग पर। लगातार काम करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। जो काम के प्रति समर्पित है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा के उद्देश्य को लेकर चलता है, वह अक्षय सुख प्राप्त करता है, जो कभी भी क्षय नहीं होता। और अब उधारी की बात पे आते हैं। हम में से कई लोग हैं जो उधारी पे अपना काम चलाते हैं। किसी की मजबूरी होती है तो कोई अपना संचित धन सुरक्षित रखने के लिए उधारी लेता है। तो इसमें कहा गया है, सोक्रेटिस सुकरात ने कहा है कि मित्र को उधार देना, अपने दोस्त को उधार देना मित्रता को खोना है। आपने कई दुकानों पर, पान की दुकानों पर मैंने देखा है कि एक गाय का चित्र बना होता है और एक तरफ मुंह फाड़ के बड़े बड़े दांतों वाले बब्बर शेर का मुंह होता है, तो गाय की तरफ लिखा होता है उधार मांगते समय। जब कोई उधार मांगता है तो एकदम गाय की तरह विनम्र हो जाता है, परंतु जब देने की बारी आती है तो वह बब्बर शेर जैसे दांत निकाल लेता है कि हमें क्यों दिया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, उधार उसे ही दीजिए जिसकी लौटाने की क्षमता हो। उधार देना मानो किसी वस्तु को पर्वत की चोटी से धकेलना है। किसी को उधार देना मतलब किसी चीज को पर्वत की चोटी से धकेलना है और फिर उसे वसूल करना, उस वस्तु को नीचे चोटी तक बढ़ाना है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए न उधार दो ना ही उधार लो। उधार देने से अक्सर पैसा और दोस्ती दोनों खो जाते हैं और उधार लेने से मितव्ययिता, जो हम लोग बारीकी से चलते हैं, जहां जरूरत है वहीं खर्च करते हैं, मितव्ययिता कुंठित हो जाती है। कई लोग ज्ञान बांटने के आदि होते हैं, जो ज्ञान तो बहुत देते हैं परंतु स्वयं उसका पालन नहीं कर पाते हैं। कहा गया है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरही ते नर घनेरे, ते नर न घनेरे। यानी उपदेश तो बहुत देते हैं लोग लेकिन वे स्वयं ही उसका पालन नहीं कर पाते। हम उपदेश सुनते हैं मन भर, कितना मन, एक मन में 40 किलो होते हैं। हम उपदेश सुनते हैं मन भर, देते हैं तन भर, किंतु ग्रहण करते हैं मात्र कर्ण भर। बहुत ही सटीक बात ये कही गई है। अगले ईश्वरीय आदेश पर आते हैं, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन। जब हम किसी काम में लग जाएं तो उस समय विश्व की कोई भी बात हमारे सामने नहीं आना चाहिए। जिस काम में हम लोग लगे हैं उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए समर्पित भाव से, और दूसरा कोई भी विचार या कोई भी काम या कोई भी बात हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यही काम का आदमी बनने की कुंजी है। विश्व के हर काम में यश प्राप्त करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्त होना अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक ताकत उसमें लगा दो, तब देखिए कितने सुंदर परिणाम आते हैं। ऐब आदत, हैबिट, एडिक्शन अवगुण नाव की पेंदी में छेद के समान है, जो चाहे छोटा हो या बड़ा एक दिन नाव को डुबो देता है। जीवन में यदि कोई अवगुण है तो वो नाव की पेंदी में एक छेद के समान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। ऐसे ही एक दिन मनुष्य को भी
अवगुण डुबा देता है। और छुपा हुआ ऐब, चुप्पा ऐब वो चिकना घड़ा है जिस पर किसी बात का कभी भी असर नहीं होता, ऐसा प्रेमचंद का कहना है। अगली सूक्ति पर आते हैं, कंजूसी। संसार में सबसे दयनीय कौन है? दयनीय कौन है? जो धनवान होकर भी कंजूस हो, जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो कंजूस है, तो ऐसा व्यक्ति दयनीय माना जाता है। कंगले की तरह जीना और धनवान होकर मरना महज पागलपन है। कंगाल होके जीने में कोई मतलब नहीं है, और बहुत धनवान होके सत्कार्य न करके मरना महज पागलपन है। अब आते हैं हम कर्ज पर, लोन। छोटा कर्ज किसी आदमी को आपका देनदार बनाता है। छोटा कर्ज, कम पैसा यदि किसी को देते हैं तो वह अपने आपको आदमी को आपका देनदार बना देता है, लेकिन एक बड़ा कर्ज उसको आपका दुश्मन बना देता है, शत्रु बना देता है। थोड़ा बहुत पैसा ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ज्यादा पैसा दे दिया तो वो व्यक्ति आपका शत्रु हो जाएगा। उस तरह के घरेलू जीवन में उन्मुक्तता है और सुंदरता नहीं आती जो उधार और कर्ज पे चलता है। उस तरह के घरेलू जीवन में उन्मुक्तता और सुंदरता नहीं आ सकती जो उधार और कर्ज पर चलता है, क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि मुझे लौटाना है, मुझे लौटाना है। और इस तनाव में घर की सुंदरता और सुख दोनों ही दूर हो जाते हैं, निद्रा नहीं आती। इसलिए जहाँ तक प्रयास हो कि कर्ज कम से कम जीवन में लेना चाहिए। जो काम अपने आप से हो सके वो काम दूसरों से मत करवाइए, और काम को हाथों हाथ ही कर डालना चाहिए, वरना जो काम पीछे रह जाता है वो हो ही नहीं पाता है। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। काम ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम में रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर काम कर रहे तो वो आदमी को मार डालती है। इसलिए जीवन, लाइफ इज ए रिदम, रिदम के हिसाब से जैसा अगला सम फिर आता है, इसी प्रकार से हमें अपने कार्यों का समायोजन समयानुसार और नियमित रूप से करना चाहिए। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े, और जिसके फल की फल को प्रसन्न मन से आप भोग सकें, अंगीकार कर सकें, ऐसा ही काम करना अच्छा होता है। अब बात आती है क्रोध। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, और जब क्रोध में वो क्रोध में जब आप हैं तो 10 बार सोचिए, और जब अत्यधिक क्रोध में हैं तो 1000 बार सोचिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्षमा, ज्ञान का भूषण क्षमा है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, सत्य सज्जन है, उसका आभूषण होता है क्षमा, कि यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ कर दिया जाए। और औरों को अक्सर क्षमा कर दो, लेकिन खुद को कभी मत क्षमा करिए, इसलिए कि हम अपने आप में सुधार करें। आगे बात आती है गुण। उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। कोई बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत गुणवान हो। उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। महल के शिखर पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। यदि किसी राजमहल के ऊपर कोई कौवा बैठ गया है तो वो कौवा ही रहेगा, गरुड़ नहीं हो सकता कभी। यूथ, जवानी, युवावस्था,
युवा लोग अपने आप को पर्याप्त बुद्धिमान समझने के लिए बाध्य है, वो समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। वैसे ही जैसे एक नशाखोर पियक्कड़ व्यक्ति अपने को पर्याप्त संयत करने समझने के लिए बाध्य होता है। नौजवान सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और अपने दावों में बहुत ही विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। Nobody can challenge to experience, अनुभव को कोई भी कभी चुनौती नहीं दे सकता। कोई अनुभवी व्यक्ति है तो उसे हम चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उसने उस जीवन को जिया है। आप 25 साल की आयु के हिसाब से सोच रहे हैं, आपका दायरा 25 साल का है, लेकिन वो 60 साल की अपने जीवन के दायरे से सोच रहा है, तो उसकी और आपकी सोच में फर्क होना स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी अनुभवी व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज न करें। जीवन का एक क्षण करोड़ सर्व मुद्रा स्वर्ण मुद्रा देने पर भी नहीं मिल सकता। करोड़ों रुपया खर्च कर दें, अभी हाल की महामारी में आपने देखा था कि लोगों के पास लाखों रुपया था, लेकिन वे सांस नहीं खरीद पा रहे थे। आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, अखबारों को पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कारों वाले जो लोग थे बेचारे इस महामारी में सांस नहीं खरीद पाए। टालम टोल, काम को टालना। टालम टोल करने वाला सदा दुर्भाग्य से ही भिड़ा रहता है। जो काम को आज नहीं कल परसों, कहते हैं ना कि कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन इसका उल्टा लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी पड़े हैं बरसों। तो आज नहीं कल कहते हैं सभी काहिल। अधिकांश लोग उस काम को कल तक के लिए टाल रखते हैं जिसे उन्हें कल ही कर डालना चाहिए था। खुदा कहता है आज और शैतान कहता है कल, ये एक जर्मनी कहावत है। टिकाऊ, बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाली कोई भी वस्तु रुचिकर इंटरेस्टिंग नहीं होती, यहां तक कि लाइफ भी। जीवन छोटा हो अच्छा हो, लेकिन आयु लंबी हो और जीवन बेकार बीत रहा है तो ऐसा जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए कहा गया है बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाली कोई भी वस्तु रुचिकर नहीं होती, यहां तक कि जीवन भी। ठाट बाट, शानो शौकत, शराफत ठाट बाट बढ़ाने में नहीं है, अपनी आबरू इज्जत और रेपुटेशन बनाने में है। उस मनुष्य का ठाट बाट जिसे लोग प्यार नहीं करते, गांव के बीचों बीच उगे विश्व वृक्ष के समान है। ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा आदमी है, खूब ठाट बाट है, पैसा है उसके पास, लेकिन लोग जिसे नहीं चाहते बल्कि उसकी आलोचना करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा ही कहलाएगा जैसे गांव के बीच में कोई विषैला वृक्ष लगा हो। डर, जो शत्रु तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे मत डरो, उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। हम समाज में रहते हैं और अक्सर इस प्रकार की बातें हमारे साथ होती है कि जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं उनसे मत डरो, डरो उनसे जो तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं। ढोंग, मैं उन लोगों को धूर्त और पाखंडी समझता हूं जो अपनी संपत्ति को भोगते हुए साम्यवाद की दुहाई देते फिरते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि साम्यवाद के पुजारी बनकर वह किस मुंह से विशाल प्रसादों में रहते हैं, आनंद उठाते हैं और संसार के सुखों का दिल खोलकर उपभोग करते हैं। अपने कमरे से फर्श हटा देना और सादे वस्त्र पहन लेना ही साम्यवाद नहीं है, यह निर्लज्ज धूर्तता है और खुला हुआ पाखंड है। अपनी भोजनशाला के बचे कुचे टुकड़ों को गरीबों के सामने फेंक देना साम्यवाद का मुंह चढ़ाना है, उसे बदनाम करना है।
अति क्रोध, कटुवाणी, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीचों का संग और अनुकूलीन सेवाएं, ये सब नरक में जाने के लक्षण हैं। परोपकार, वृक्ष अपने सिर पर गर्मी झेल लेता है परंतु अपनी छाया से औरों को बचाता है। फल आने पर वृक्ष विनम्र हो जाते हैं और नवजल से मेघ धरती पर लटक जाते हैं। सज्जन समृद्धि से विनम्र बन जाते हैं, यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। आज के लिए इतना ही। ये सब जीवन में बड़े काम की बातें हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारें, ये ईश्वरीय आदेश भी हैं।